हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन बायोलॉजी। आज के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में हम लोग देखने वाले हैं फैट ऑक्सीडेशन इन स्लीप ऑफ फैट बियर्स। ओके बच्चों, आज की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाली है वो ये है कि जो फैट बियर्स होते हैं, जिसको ग्रिजली बियर्स ऐसे भी करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली एज लॉन्ग एज 7 मंथ तक हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब कि डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं। तो फॉर 7 मंथ्स दैट बियर कैनॉट और इट डजेंट ड्रिंक, इट डजेंट ईट, डजेंट डिफेसेट, डजेंट यूरिनेट। 7 मंथ्स के लिए बेटा वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। तो इसके लिए जो है बेटा उसको क्या क्या नेसेसरी है, तो वो जो अपने बॉडी टेम्परेचर है अराउंड 32-35 डिग्री का जो है बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करता है, और उस वक्त जो है वो डेली कितना एनर्जी स्पेंड करता है, वो तो वो है 25,000 किलो जूल्स पर डे। ओके, तो अभी बेटा क्या होगा कि इतना टाइम तक उसे विदाउट ईटिंग विदाउट ड्रिंकिंग अगर रहना है तो उसके बॉडी में जो है वो फैट स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो भी फैट स्टोर होता है तो वो फैट स्टोर उस वो जो पीरियड है डॉर्मेंसी या फिर हम कहते हैं कि हाइबरनेशन का जो पीरियड है उस टाइम में वो जो फैट जो कि अर्लियर उसने जो फूड कंज्यूम किया है जिसका जो फैट वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है वो फैट वो कंज्यूम करता है। तो फिर ड्यूरिंग दैट व्हाट हैपन्स, द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हैपन्स। अभी क्या करता है बियर जो है वो क्या करता है बेटा कि जब स्प्रिंग या फिर समर सीजन होता है तो उस टाइम में जो है वो एनर्जी जो लेता है वो 38,000 किलो जूल्स पर डे होती है। मतलब कि ड्यूरिंग समर सीजन इट कंज्यूम्स द फूड इक्विवेलेंट टू एनर्जी 38,000 किलो जूल्स पर डे। लेकिन एज इट अप्रोचेस टू द विंटर, जैसे जैसे विंटर पास आता है तो उसका जो कंजम्पशन है एनर्जी का वो हो जाता है अराउंड 84,000 किलो जूल्स पर डे। बेटा ये क्यों करता है बियर, तो इट डिसाइड्स टू स्टोर एज मच एज एनर्जी एज इट कैन। ओके, जितनी ज़्यादा एनर्जी हो सके उतनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर करने की कोशिश करता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कंज्यूम्स फॉर फूड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स। 20 आवर्स के लिए वो जो है वो फूड कंज्यूम करता है। तो इसकी वजह से जो है वो फैट यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होता है, फैट डिपॉजिट होता है। ओके, तो फिर वो एनर्जी फैट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कैसे करता है, तो ड्यूरिंग द फैट ऑक्सीडेशन व्हाट हैपेंस, वाटर इज प्रोड्यूस्ड सो दैट वाटर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। देन ड्यूरिंग फैट ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल इज प्रोड्यूस्ड, दैट ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इन टू द ब्लड ग्लूकोज by means of the process of gluconeogenesis, then that fat oxidation also results in the indirectly in the formation of synthesis of proteins as well as amino acids. So इसका जो पूरा energy का fulfillment है वो fats होता है जो कि उसने store किया हुआ है during the whole winter season. तो बच्चों है ना interesting fact कि 7 months तक जो होते हैं वो जो fat और उस टाइम वो फैट हो जाते हैं, फैट बियर्स जो ग्रिजली बियर्स होते हैं वो 7 मंथ तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बिना यूरिनेट करके बिना डिफेसेट करके वो वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। इसका रीज़न है जो स्टोर्ड फैट होता है वो फैट वो 7 मंथ तक यूज़ करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बच्चों थैंक यू, एंजॉय,